चलो देखो फटाफट से फ्रिज पे देखो क्या था वृष्टि छाया प्रदेश, सुन लो इंग्लिश में क्या कहते हैं, रैन शैडो जोन, रेन शैडो जोन। वृष्टि छाया प्रदेश लिखना किस तरह वो समझ लो कि लिखना किस तरह है क्या वाला। वृष्टि जो छाया प्रदेश होगा, वृष्टि छाया प्रदेश इस वाले डायग्राम को समझ लो, वृष्टि छाया प्रदेश भारत के अंदर ही नहीं हर देश के अंदर पाया जा, समझ नहीं बात या ऊपर का जो एशिया के अंदर ना जो सेंट्रल एरिया, जो सेंट्रल एरिया जहाँ हमारे ये कजाकिस्तान किर्गिस्तान ये क्षेत्र पाए जाते हैं वो रेन शैडो एरिया पूरा का पूरा, वहाँ बारिश ही नहीं होती, बहुत सूखा पड़ रहा वहाँ, बड़ी समस्या है वहाँ। तो रेन शैडो जोन देख लो क्या हो क्यों कभी वहाँ वर्षा हुई नहीं, किस कारण होती है वहाँ से, किसी कारण बस वहाँ वर्षा नहीं हुई ना तो वहीं रेन शैडो जोन बनता दिखाई देगा तुम्हें। ऐसा कहाँ मिलेगा, सबसे कम वर्षा होती है पूरे भारत के अंदर लद्दाख के अंदर, लद्दाख के अंदर, लेकिन मौसम बड़ा सुहाना रहता है वहाँ। क्यों, क्योंकि जो ना ऊपर जो हिमालय मौजूद है ना, ये जितना ही मानसून है हिमालय से टकरा कर हिमालय के दक्षिण में तो वर्षा कर देगा, हिमालय के उत्तर में नहीं पहुँच पाता वो, हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आ गाओ, ट्रांस हिमालय को पार करने के बाद आ गाओ लेह जिसे हम लद्दाख बोलते हैं, तो लेह के अंदर सबसे कम मात्रा में वर्षा दिखाई देगी तुम, लद्दाख के अंदर, लद्दाख के लेह के अंदर कम मात्रा में वर्षा दिखाई देगी। और वहाँ वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण हुआ, शीत मरुस्थल भी वहीं बनाए गए, बनेगा क्या बनेगा, खुद खुद ही बन गया ऑटोमेटिक मरुस्थल का निर्माण ही हुआ। क्यों, क्योंकि मिट्टी को नमी तो मिल पाई, लेकिन मिट्टी के अंदर पानी नहीं भर पाया, जिस मिट्टी के अंदर पानी चला जाएगा ना कठोर भी हो जाएगी, पानी पीने के बाद जब सूखना स्टार्ट हो जाएगी तो मिट्टी भुरभुराना स्टार्ट होगी और धीरे धीरे रेत में तब्दील होगी वो मिट्टी। ऐसा ही यहाँ हुआ, धीरे धीरे इस क्षेत्र में क्या हुआ, बारिश ही नहीं हो पाई। एक तो बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून था जो चला गया वो ऐसा चला गया, उसे ना हिमालय के दक्षिणी भाग में तो वर्षा कर दी, और जो अरावली पर्वत था, ये अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में तो वर्षा कर दी, पश्चिम भाग में नहीं टकरा पाया, समझ आई बात यार, नहीं पश्चिम भाग में नहीं जा पाया, इसलिए बाड़मेर जैसलमेर राजस्थान के बहुत सारे जिले जहाँ वर्षा नहीं हो पाती बिल्कुल भी, समझ कोटा हो झुंझुनू हो सीकर हो बहुत सारे इधर जितने भी जो शहर जो सिटी इधर बचे हुए ना अरावली पर्वत के इधर वहाँ वर्षा नहीं हो पाई, वे वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत चले गए। ये वाला मानसून अरब सागरी खाड़ी से उठने वाला मानसून वो भी वहाँ वर्षा नहीं कर पाया, अरब सागरी खाड़ी से उठने वाला मानसून क्यों, क्योंकि वो भी अरावली पर्वत के समानता नहीं करके चला गया, वो भी वर्षा नहीं कर पाया। दो क्षेत्र बताए मैंने तुम्हें, एक तो लेह हुआ, लेह लद्दाख जिसे बोलते हैं, लद्दाख के लेह, उसके बाद अरावली पर्वत के अंदर जैसलमेर हुआ, बाड़मेर हुआ, समझ में आती है, सीकर हुआ, इस क्षेत्र में वर्षा हो ही नहीं पाती बिल्कुल भी, समझ में आए क्यों वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत चले जाते हैं। और यहाँ बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून वो भी वर्षा नहीं कर पाता, दूसरा जो ना अरब सागरी खाड़ी से उठने वाला मानसून यो भी इसके समांतर गुजर जाता और वर्षा नहीं कर पाता बिल्कुल भी। ऐसे माउंट आबू तक तो वर्षा हो जाएगी, यहाँ माउंट आबू पड़ती चोटी वहाँ तो वर्षा हो जाएगी, इसके आसपास में यहाँ वर्षा होती है हो ही नहीं पाती, यहाँ वर्षा ही नहीं हो पाती, जब वर्षा नहीं हो पाती ये बस यहाँ मरुस्थल बनना स्टार्ट हो जाए। तीसरे नंबर पर वृष्टि छाया प्रदेश कहाँ पाया जाएगा, जो अरब सागरी खाड़ी से उठने वाला मानसून है ना वो पश्चिमी घाट के पश्चिम पर तो वर्षा कर देगा, इधर कर वर्षा तो कर देगा, इधर नहीं पहुँच पाती, इसलिए जो बीच वाला जो क्षेत्र है ना ये वृष्टि छाया प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र है पूरे भारत के अंदर, सबसे बड़ा वृष्टि छाया प्रदेश यही है। उत्तरी कर्नाटक हुआ, महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ क्षेत्र हुआ, तेलंगाना वाला क्षेत्र हुआ, यहाँ वर्षा हो ही नहीं पाती, इसलिए इस क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत काउंट करते हैं। हर साल यहाँ सूखे की स्थिति दिखाई दे, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड के अंदर दिखाई दे ऐसी स्थिति। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं, राजस्थान हुआ, गुजरात का भी कुछ भाग हो, ये गुजरात होने यहाँ से उसका भी कुछ भाग इसके अंतर्गत, पश्चिमी घाट के कुछ भाग लेह, समझ नहीं बात, उदाहरण दे दिए वृष्टि छाया प्रदेश है। अब लिखना किस तरह उसका कलाकारी समझ लो, पर्सन क्या पूछेगा, पर्सन ये पूछेगा पीसीएस में पूछेगा कि वृष्टि छाया प्रदेश से आपका क्या तात्पर्य, सह विस्तार समझाइए, थोड़ा विस्तार से समझा दो, 100 वर्ड के आसपास लिखने होंगे, तो कुछ इस प्रकार लिखोगे, पता क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे जब आर्द्रतायुक्त पवन किसी पहाड़ी के या किसी पहाड़ या पर्वत से टकराती है तो टकराकर उसके एक भाग में तो वर्षा कर देती है। जब आर्द्रतायुक्त पवने, सुनते रहना ध्यान से, जब आर्द्रतायुक्त पवने, अभी मैं भारत के बारे में बात कर रहा हूँ, भारत के अंदर फिर अगली हड़ी बनाऊंगा मैं, भारत के अंदर वृष्टि छाया प्रदेश, खाली ये बता दूं वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं। जब आर्द्रतायुक्त पवने किसी पहाड़ या पर्वत से टकराने के बाद, पहाड़ या पर्वत से टकराने के बाद उसके एक भाग में तो वर्षा कर देती है तथा दूसरा भाग पवन आर्द्रतायुक्त पवनों से रहित हो जाता है या आर्द्रतायुक्त पवने वहाँ नहीं पहुँच पाती है, समझ आई बात या, तो वहाँ जो क्षेत्र बनता है उसे हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, यह परिभाषा वृष्टि छाया प्रदेश की।
दोबारा फिर बता रहा हूँ, वरिष्ठ छाया प्रदेश की हेडिंग में नहीं आई बताई पहली, वरिष्ठ छाया प्रदेश रेन शैडो जोन, उसके अंतर्गत यही बात लिखनी है, जब आर्द्रतायुक्त पवने किसी पहाड़ या पर्वत से टकराती है उसके एक भाग में तो वर्षा कर देती है तथा दूसरा भाग उन आर्द्रतायुक्त पवनों से रहित हो जाता है, तो वहाँ जो क्षेत्र बनता है उसे ही वरिष्ठ छाया प्रदेश कहते हैं। अगली हेडिंग बनानी, भारत में वरिष्ठ छाया प्रदेश, ये भारत का मैप बना देना, पूरा मैप बनाना, लेह को भी दर्शाना, अरावली पर्वत को भी दर्शाना, समझ गए ना तुम। उसके बाद में ये जो वाला क्षेत्र है ना, ये वाला मैप, ये सारा दर्शाना जितना मैंने तुम्हें बताया, वेस्टर्न घाट बनाना। और उसके बाद क्या लिखोगे, भारत के अंदर भी वरिष्ठ छाया प्रदेश पाए जाते हैं, ये वरिष्ठ छाया प्रदेश कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग, पश्चिमी घाट के कुछ भाग तथा लेह में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में वरिष्ठ छाया प्रदेश दक्षिण भारत के अंदर, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत उत्तरी कर्नाटक, विदर्भ तथा तेलंगाना में पाया जाता है। दोबारा फिर समझ लो, लेकिन भारत में सबसे अधिक मात्रा में वरिष्ठ छाया प्रदेश उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र तथा तेलंगाना के अंतर्गत पाया जाता है, क्योंकि क्योंकि अरब सागर की खाड़ी से उठने वाला मानसून पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर उसके पश्चिमी भाग में तो वर्षा कर देता है, परंतु वह पूर्वी भाग पर नहीं पहुंच पाता, जिस कारण ये वाला क्षेत्र वरिष्ठ छाया प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। समझ में आई बात, जैसे मुंबई के अंदर तो झमाझम वर्षा होती है परंतु पुणे में वर्षा नहीं होती है। समझ में बात, या लिखोगे आराम से लिखते चले जाओ, कलाकारी हो लिखने की, एक समझ में बात है, जो पढ़ने वाला उसे महसूस ही ना हो, बातें सारी लिख रखी हो, पढ़ने वाला उसे महसूस ही नहीं हो, समझ में आया बात या। अब हम क्या करने वाले, अब हम आगे जाएंगे उस पर अरावली पर्वत के बारे में जिक्र करेंगे, फिर लेह के बारे में जिक्र करेंगे। तो अरावली पर्वत पर ये बताओ, दक्षिणी जो पश्चिमी मानसून है अरब सागर की खाड़ी से उठने वाला मानसून, इसके राजस्थान का जिक्र करेंगे नहीं, अरब सागर की खाड़ी से उठने वाला मानसून अरावली पर्वत के समांतर चला जाता है और हिमालय से टकराकर हिमालय के दक्षिणी भागों में वर्षा करता है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं कर पाता है, जिस कारण अरावली पर्वत का पीछे का भाग मरुस्थल में तब्दील हो जाता है। उसके बाद लिखेंगे दक्षिणी पश्चिम मानसून की दूसरी शाखा बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून जो अरावली पर्वत के पूर्व में वर्षा करता है, पश्चिम में वर्षा नहीं कर पाता है, इसलिए पश्चिम वाला भाग वरिष्ठ छाया प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर तथा सीकर जैसे जिले में वर्षा नहीं हो पाती है, ये क्षेत्र वरिष्ठ छाया प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया बात या, ऐसे लिखो कि सब कुछ मैप के अंदर मौजूद है, मेरे पास एक कुछ भी नहीं है डाटा, मैं सब मैप देख कर लिख रहा हूँ। समझ में बात है, कलम से निकलते चाहिए, प्रैक्टिस हो लिखने की, इतनी बात बता दो, समझ में ही नहीं आई, कोई दिक्कत है क्या अंत तक। नेक्स्ट, उसके बाद अब हम किसका जिक्र करेंगे, लेह का, लद्दाख का, उन्होंने बताओ लद्दाख के नीचे कौन सा हिमालय में मौजूद है, तो ये कहेंगे दक्षिणी पश्चिम मानसून कह दो या बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून, तो मैं दोनों का नाम एक ही ले रहा हूँ, तो दक्षिणी पश्चिम मानसून हिमालय पर्वत से टकराकर उसके दक्षिण में तो वर्षा कर देता है परंतु उसके पार नहीं पहुँच पाता है, इसलिए लेह या लद्दाख के लेह वाला क्षेत्र वरिष्ठ छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। बात समझ में आई, बस क्वेश्चन का उत्तर समाप्त, इतना ही वर्ड लिखना था, PCS में पूछेगा, समझ में आया बात या, UPSC में नहीं पूछने का, डोंट वरी। समझ में आया बात, कैसे लिखना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया था, एक बार दोबारा बता रहा हूँ मैं सारा का कैसे चलेगा, फिर तुमसे पूछूंगा, देखो क्या कितने कैचिंग पकड़ कर पाए, एक कर का नंबर लगाऊंगा। हेडिंग बना ली पहले वरिष्ठ छाया प्रदेश, ध्यान तो सुन लेना, वरिष्ठ छाया प्रदेश हेडिंग बना ली, तो लिखेंगे आर्द्रतायुक्त पवने जब पहाड़ या पर्वत से टकराती है तो उसके एक भाग में तो वर्षा कर देती है, दूसरे भाग में वर्षा नहीं कर पाती, दूसरे भाग में वर्षा नहीं कर पाती है तो वह क्षेत्र वरिष्ठ छाया प्रदेश कहलाता है जिस भाग में वर्षा नहीं होती है। इतनी बात बता दो, समझ में नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। अगली हेडिंग क्या बनाएंगे, भारत में कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक, भारत में वरिष्ठ छाया प्रदेश, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे भारत में वरिष्ठ छाया प्रदेश, तो जब भारत में वरिष्ठ छाया प्रदेश करोगे तो भारत में वरिष्ठ छाया प्रदेश एक जगह थोड़ा ही पाया जा, तो भारत में वरिष्ठ छाया प्रदेश अनेक जगह पाए जाते हैं। समझ नहीं बात, ये लिखेंगे आई लाइन स्टार्ट कर दो, भारत में वरिष्ठ छाया प्रदेश अनेक जगह पाए जाते हैं। देखो भाषा मेरी लगातार बदलती रहा, क्योंकि फिक्स थोड़ा ही है, समझ नहीं बात, यह क्यों थोड़ा ही तुम रट्टा रटाई लिखोगे, पूरा का पूरा वही रट्टा मार कर लिखोगे, कोई नहीं लिख सकता। समझ नहीं बात, भारत में वरिष्ठ छाया प्रदेश अनेक जगह पाए जाते हैं, उसके बाद में पहले इसके बारे में जिक्र करूंगा, समझ नहीं बात है, फिर मैं उसके बारे में जिक्र करूंगा अरावली पर्वत के, फिर मैं लेह के बारे में चला जाऊंगा, ठीक, और लिख कर मेरा काम समाप्त हो जाएगा। जब मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर, इसके बारे में लिखना स्टार्ट करूंगा, तो सबसे पहले मैं इस तरह करके लिखूंगा वरिष्ठ छाया प्रदेश के बारे में, तो भारत में वरिष्ठ छाया प्रदेश अनेक जगह पाए जाते हैं, जैसे अनेक जगह पाए जाते हैं,
राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग, पश्चिमी घाट के कुछ भाग, कोमल लेह डैश 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 आदि और भी पाए जाते होंगे। समझ नहीं बात, ऐसी बहुत सी जगह भारत के अंदर जहाँ बारिश नहीं होती होगी, लेकिन ये कुछ प्रमुख स्थान है जो मैंने तुम्हें बताए। वृष्टि छाया प्रदेश, इसमें सबसे मेन माना मेन यही है वृष्टि छाया प्रदेश है जो। हाँ, इसमें चेन्नई में बहुत सूखा पड़ता है, चेन्नई में पानी की बहुत किल्लत हो जा गर्मी जून के महीने में। तुम टीवी में देखते हो महिलाएं ना बाल्टी लेकर खड़ी रहा घंटों घंटों दिन भर खड़ी रहती है, लेकिन नंबर नहीं आता। और ऐसा ही राजस्थान के अंदर दिखाई दे ऐसा ही दृश्य, एक टैंकर आएगा खड़ा होगा पूरे, और वो टैंकर ना पूरे सुबह से लेकर शाम तक चलते रहा, उस पानी भरते रहा लोग, और एक का जो सुबह या 4 बजे लाइन में लगना पड़ा, और जब जाकर सोच रहे शाम तक तुम्हारा 5 बजे का नंबर आगा। एक घर के कैंडिडेट उसी काम पर लगा जा, जाओ पानी लेकर आओ बेटा घर घर के लिए। समझ में आया बात ये, इसलिए वहाँ की जो महिला है ना नहाती नहीं, एक कपड़ा गिल्ला करा, कपड़ा गिल्ला करके पोछे का इस्तेमाल करती है ऐसा करके घर को साफ करने के लिए। अब तुम देखो कितना पानी यूज़ करते हो तुम राजस्थान के अंदर, पोछे का इस्तेमाल करते जहाँ पानी की समस्या हो ऐसा करके, वही उनका नहाना हो। समझ में आया बात ये, समझेगा। और इसी क्षेत्र में बता क्या हो, कपड़े बहुत सस्ते हो, एक बार कपड़े यूज़ करो बार बार धोए जाते तो पानी वेस्ट होगा, तो इससे बढ़िया उस कपड़े को फेंक दिया जाए, ठीक है। तो उस कपड़े को फेंक देते हैं, समझ में आई बात है, जो बहुत गरीब इलाका हो तो एक कपड़े को 7-8 दिन चलाते हैं, समझ में आई बात है, तो कपड़े को फेंक देते हैं, फिर जो आसपास ही मार्केट में कपड़े बेचते हैं वहीं से आते हैं, जिसे बुद्ध का बाज़ार कहते हैं। बुद्ध का बाज़ार लग रहा, आ जाओ कपड़े ले आओ, ले लो एक बार यूज़ करे हुए कपड़े ना, जहाँ पानी की किल्लत हो। और तुम अच्छा पानी चाहिए बटन दबाए, पानी चाहिए बटन दबाए, पानी चाहिए बटन दबाए, और इन पता घर में पानी रखा तब भी ताज़ा पानी निकाल लेंगे दोबारा, फिर बटन दबा लो आ जाओ। तो ये जिस या अभी तो तुम संसाधनों का भरपूर मात्रा में उपयोग कर पा रहे, इन संसाधनों को तुम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तुम सतत नहीं बना पाएंगे, तुम्हारी जो पीढ़ी आने वाली वो दुखी होने वाली। मुझे तो इस बात की बहुत चिंता हो कभी सोच कर, समझ में इसी संदर्भ में मुझे बुखार भी चढ़ गया था। हाँ, इस संदर्भ में चढ़ जाऊँ मुझे बुखार, देख लो आ जाओ। अच्छा, वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत तीन चीजों का जिक्र कर देना। अब मैं अल नीनो समझाने जा रहा हूँ, अल नीनो अल ला नीनो, एक ला नीनो हो एक अल नीनो, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखवाऊंगा भी, और दो दो लाइन करके लिखोगे भी, इससे क्या होगा क्योंकि पेपर में लिखने का ही खेल है सारा, और ये वाला मैप बनने वाला, मैं बहुत डेप्थ में इसका आराम से अध्ययन करवाऊंगा इसका, पहले मैं समझाऊंगा सिर्फ, समझ में आती है, लिखने का तो मैं बाद में ही बताऊंगा, तो पहले समझ लो ला नीनो क्या हो और अल नीनो क्या हो, अब बेनिफिट भारत के लिए कौन सा भारत को फायदा देगा, कौन सा भारत को नुकसान देगा, समझ में आती है। और ये है क्या हो, एक प्रकार का कुछ नहीं है, ला अल नीनो अल ला नीनो कुछ नहीं है, घटना है जो प्रशांत महासागर के अंदर देखी जाओ, जलवायु पैटर्न है वो, यस जलवायु जटिल पैटर्न, जलवायु के अंदर जटिल पैटर्न बदल जाए ऑटोमेटिक। पहले समझते हैं नॉर्मल कंडीशन कैसी, मान लो भी ये घटना घटना ही ना, तो ये घटना घटी 4-4 साल बाद देखी जाओ यार, 2 से लेकर 7 साल के बीच में पक्का देखी जानी ये घटना, समझ में आई बात यार, एक घटना हो प्रशांत महासागर के अंदर मौजूद ये घटना घटती है, और इसका असर भारत पर भी पड़ रहा, और UPSC ने अपने मेंस में डाला खास टॉपिक को कि इसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका, तो मैं इसे कैसे छोड़ दूंगा, सही में सूखा भी अभी पढ़ा चलूंगा, जलवायु पढ़ा रहा हूँ ना मैं, तो इस सारे टॉपिक में इसलिए लिंक करके पढ़ चलूँगा, बाढ़ भी मैं भी पढ़ा के चलूंगा, सही बात यह, इसके बाद कल को मैं सूखे के बारे में पढ़ाऊंगा, समझ में आई बात यह, और भारत बहुत सारे क्वेश्चन का उत्तर लिख दो तुम, और सटीक और सही उत्तर, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, जब भी एडिटोरियल आया कुछ पढ़ रहे हो चुपचाप जाओ बस अपना नोट्स खोल ला, संस्था का नाम तक भी मैं लिखवा के चलूँगा, समझ बात है, कहीं आत्मा की तरह भटकने की जरूरत नहीं है, कि तुम्हारे पास कंटेंट उपलब्ध होगा, एक भी चीज़ तुम लिखने रटने नहीं पड़ने की, एक दिन ऐसा होगा लिखते लिखते तुम्हारी स्पीड इतनी हो चुकी होगी कि मैं अब क्योंकि तुम यही कहते हो दिल से कि मैं हर क्वेश्चन का उत्तर लिखने के लिए सक्षम हूँ, चाहे कैसे भी क्वेश्चन पता चला जा, एक बार कि जिसका एग्जाम निकल जा ना वो दोबारा फिर एग्जाम क्यों निकाल दा, क्योंकि उसको अपने आप बिलीव हो जा, जब तक तुम एग्जाम के प्रति अपने आप बिलीव नहीं होने का ना तुम कभी निकाल सकते, चलो जाओ। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ हो, तो ये हमारा एशिया, तो अल नीनो क्या हो और ला नीनो क्या हो इसे समझने के बाद तुम सोच रहे हो है नहीं अभी, तो अभी क्या चल रहा है, इसे नॉर्मल ईयर कैसे चलता, सामान्य वर्ष कैसे चलता हमारा, अभी ये घटना घटी नहीं ना घटी मान लो थोड़ी देर के लिए, तो सामान्य वर्ष हमारा कैसे चल रहा, अभी यहाँ क्या चल रहा प्रशांत महासागर में, तो प्रशांत महासागर में दोनों घटना घटती दिखाई दे, समझ में आई बात है, 2 से लेकर 7 साल के बीच में घटना घटेगी, कभी कभी वैसे इसकी अवधि बताई गई 4 वर्ष, और लाल अल नीनो और ला नीनो अल नीनो जो अल है ना अल नीनो ये यसु ईसा मसीह जो कहते हैं 25 दिसंबर के आसपास 25 दिसंबर को ईसा मसीह को बनाया जा, क्या है वो बर्थडे बनाया जाने मन क्रिसमस डे बनाया जा, उन्हीं के नाम पर अल नीनो का नाम यसु मसीह के ही नाम पर रखा गया,
मसीही के नाम पर रखा गया। कुछ लोग कहते हैं इनका नाम, इसका अलनीनो का नाम छोटी बच्ची, छोटा बच्चा, अलनीनो का नाम है छोटा बच्चा, अरे छोटी बच्ची लानीनी, छोटी बच्ची, कुछ लोग ऐसे बताते हैं। लेकिन कुछ किताबें में पढ़ रहा था ना, किताब पढ़ने के दौरान दिखाई देगा भगवान के नाम पर इनका नाम रख दिया गया। नामकरण करना इनके यहाँ आसान हो ना, क्रिश्चनों के नाम पर उनका नाम, जो क्रिश्चन के भगवान यीशु मसीह के नाम पर, मसीह जी के नाम पर इनका नाम रखा गया। खुशी खुश होगी पूरी की पूरी, खुशी का ठेका खा लिया। कौन? अच्छा आ जाओ, समझे? अब सवाल है क्या है, सवाल क्या? दूसरा ये ना भारत को सब तो लोग इनकी बुराई करने पर लगे हुए, अलनीनो बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। मैं तुम उनका सकारात्मक प्रभाव बताऊंगा, और यूपीएससी इतना ही बदतमीज है, मैं पूछा अलनीनो का सकारात्मक प्रभाव बताओ क्या है। हाँ सकारात्मक प्रभाव, समझ में आती है, निगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं इसका मतलब। लानीनो का सकारात्मक प्रभाव बताओ, लानीनो का भारत में, जो लानीनो ना ये तो भारत के लिए बहुत अच्छा माना जा, अगर अलनीनो आया ना तो तुम सारे मरोगे। हाँ नीचे तले को ऊपर तक प्रभावित होगा पूरा भारत, देखो होगा कैसा, ये पूरा भूगोल काम कर रहा है इसके पीछे। अगर लानीनो आया तो ये समझ जाओ भारत, अगर प्रशांत महासागर के अंदर या नीचे वाली घटना घटी तो तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा। और ये घटना भी घट रखी, ऐसा पहली बार हो रहा है, तीन साल तक लानीनो की घटना चल रही, 20, 21, 22 और 23 तक। WMD है ना, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसका खुद का ही कहना, जो कह रहा है 3 साल तक ना ये लानीनो जाने का नहीं, इसलिए भारत के अंदर जो मानसून है बहुत अच्छा रहा पिछले 3 सालों के दौरान, भारत की बल्ले बल्ले हो रही। शुक्र मनाओ अलनीनो नहीं आया, अगर अलनीनो आया ना तो भारत में सूखा पड़ेगा, वो यही तो समझना कैसे पड़ेगा सूखा, अगर लानीनो हो तो भारत के लिए बेनिफिट है। उनका मानना था कि जो 2023 चल रहा है, 2023 तक जिस समझ जाओ 2023 तक फरवरी तक लानीनो चला जाएगा, और जब लानीनो चला जाएगा ना तो अलनीनो आ सकता, कोई फिक्स नहीं है, इसके बारे में अभी इतनी रिसर्च नहीं हुई, ये ताज़ी घटना समझ में आ गई, चेक करा गया। ये यहाँ के मछुआरों थे ना पेरू के, जो दक्षिणी अमेरिका आयो पेरू के पास जो मछुआरे थे मछली पकड़ने आते थे, उन्होंने देखी थी इस घटना को, समझ उन्होंने इस घटना को महसूस करा, पेरू के पास जो लोग आते थे यहाँ से उन्होंने इस घटना को महसूस करा। कुछ सामान्य जानकारी मिली, अभी घटनाएं भाई अभी मैंने सब डिटेल तो नहीं, घबराओ ना, जब मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा तब बताना समझ में आया नहीं आया, और तुम लिख सकते हो नहीं लिख सकते इसके बारे में, पहले समझो इसके बारे में। तो इन दोनों घटनाओं को देखा गया था वहाँ, अभी छोटे छोटे फैक्ट हैं, छोटे 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 कौन से छोटे 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 कौन से फैक्ट हाँ। और अलनीनो ना, अलनीनो तबाही मचागा, इसका सीधा असर भारत में पड़ता हुआ दिखाई देगा, समझ में बात क्या, और लानीनो ये आया हुआ अभी सच में, ये अभी चल ही रहा है, अभी लानीनो है भारत के अंदर, अब भारत का मौसम किस तरह प्रभावित होगा अगर लानीनो यहाँ प्रशांत महासागर के अंदर ये घटना घटती दिखाई देती है, प्रशांत महासागर के अंदर। पहले हम समझते हैं कि सोच लो ना तो अलनीनो आया ना लानीनो आया, सोच लो सामान्य वर्ष चल रहा है, सामान्य वर्ष चल रहा है, जब सामान्य वर्ष चल रहा है क्योंकि वहाँ तुम्हें मैप बनाना पड़ेगा, समझ बात यह, तो अलनीनो और लानीनो ये तो गए भाड़ में भी, सोच लो सामान्य वर्ष चल रहा है, अगर ना तो अलनीनो की घटना घट रखी ना लानीनो की घटना घट रखी, समझ बात यह, इसका मतलब क्या, छोटा बच्चा इसका मतलब छोटी बच्ची, ये ऐसे ऐसे नाम देते हैं। तो घबराना मत बिल्कुल भी, आराम से समझो प्यार के साथ, अभी सामान्य वर्ष चल रहा है, कोई सी घटना नहीं घट रखी। सामान्य वर्ष में कैसा होगा, 3 मैप बनाने तुम्हें, पहला मैप एक तो ऐसा जो अलनीनो का मैप बनाओगे, एक ऐसा जो लानीनो का मैप बनाओगे, एक ऐसा जो सामान्य वर्ष का मैप बनाओगे, आया समझ में? तो कितने मैप बनाओगे, 3 मैप बनाओगे, 3 मैप बनाने से क्या होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो चुका होगा। मैं यहाँ एक ही मैप तक अपना काम चलाऊंगा, अभी चल रहा सामान्य वर्ष, अभी ना तो अलनीनो आया ना लानीनो आया, मान लो सामान्य वर्ष में क्या चल रहा है यहाँ से, ये बताओ ये हमारा 0° अक्षांश है, ये 0° अक्षांश है, ये गुजर हमारे 0° अक्षांश। इस बात को मैं समझाने के लिए हाँ ना, यहाँ ये मैप थोड़ा इस टाइप से बनाया है, इधर का जो मैप है ना, उधर का जो मैप है, वो इधर का ओरिजिनल मैप में देखो, इस समय में बात है, इधर का मैप ऐसा बना रखा है, तो यूँ इसके पीछे इधर का मैप वो वाला यहाँ चमक रहा है पीछे, समझ में बात है, सारे मैप इसमें आएगा, इसमें कुछ भी बचा नहीं। तो बीच वाला क्षेत्र मैंने ज़्यादातर ना प्रशांत महासागर को दिखाने की कोशिश करी, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, 5 महासागर है ना हमारे पास, 5 महासागर में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर के दोनों अंदर ही ना ये घटना घटती है, और इसका असर भारत के अंदर ही पड़ता, और भारत के अंदर ना मानसून बस का फर्क पड़ता, अगर भारत का मानसून प्रभावित हुआ ना तो भारत नीचे तले के सर तले के पैर तक प्रभावित होगा, इसका असर ना जो घटना घट रही है अलनीनो लानीनो, इसका सीधा असर ना, सीधा इम्पैक्ट, इन दोनों घटनाओं का इम्पैक्ट भारत के मानसून में पड़ रहा, अगर ये भारत का मानसून प्रभावित होगा ना, ये भारत के मानसून को कमजोर भी बना सकते हैं, भारत के मानसून को हाईवे बना सकते हैं, वो कैसे, अब टेक्निकल पार्ट, यही तो समझाना, समझ में आया बात यह, तो कैसे भारत के भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं, अगर मानसून पर असर हुआ तो भारत की कृषि बर्बाद होने वाली,
अगर भारत की कृषि बर्बाद हुई ना, जो पहले थे बर्बाद, जो पहले थे वेंटिलेटर पर काम कर रही, भारत का प्राथमिक क्षेत्र डूबा देगी। अगर भारत का प्राथमिक क्षेत्र डूबा ना, तो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर कितनी तरक्की कर लो, द्वितीयक क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र कितनी तरक्की कर लो भारत का, कंपनी कितनी लग जाए, कितने मोबाइल फोन चला लो, जब हाथ में रोटी नहीं होने खाने गए तो फोन मीनू पड़ा रहेगा, ऐसे पड़े रहोगे, समझ में आया बात है। ये बड़ा सारा सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर उठा लो सर, क्योंकि भारत को एक कृषि प्रधान देश कहते हैं, इस बात को मत भूलना। भारत के जीडीपी में ना 2% का घाटा हो जाएगा, यानी इसका मतलब 45 लाख करोड़ रुपए जीडीपी ना 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान ये फ्री फंड में चला जाएगा। अगर अल नीनो की घटना भारत में आई, अल नीनो की घटना भारत में आई, तो 2 लाख करोड़ रुपए तुम्हारे ऐसे ही भाग जाएंगे, ये सब तुम्हें लिखने में काम आएंगे और तुम्हें परमानेंट के लिए भी याद रहेंगे। अभी तक तुम्हें नहीं पता लगा अल नीनो की तरह, इतना पता लग गया अल नीनो बहुत खतरनाक बस भारत के लिए, ये पता लग चुका ला नीनो बढ़िया, और अभी चल भी रहा, अभी फरवरी तक रहने वाला था, सही बात है, वो बस बताया था, मैं नहीं कह रहा। भारत सर जो वैश्विक स्तर पर संस्थान वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उस वर्ल्ड विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो विश्व मौसम विभाग जो जो WMD है, उसका खुद का कहना कि भारत ये ना 70% तक अपना असर दिखाएगा, ये बात कही थी उन्होंने 2022 में, अनुभव था कि 55 जैसे 2023 आ जाएगा ना, इसका 55% असर दिखाई देगा, ठीक सही उन्हें भी नहीं पता क्या, अंदाजा लगाओ बाद में जो ला नीनो ना, इनका कहना खुद का ला नीनो ना लौटेगा 2023 में और फरवरी तक लौट जाएगा। मैंने पूछा सच में फरवरी तक लौटेगा क्या, फिर तो मुझे समझ में आया ओहो ला नीनो भारत में वैलेंटाइन डे मनाना है, समझ में आई बात है, तो ला नीनो क्या मनाने आया था, वैलेंटाइंस डे मनाने आया था, अब लौट लिया धीरे धीरे। ला नीनो भारत के लिए अच्छा, अल नीनो बेकार। अल नीनो अगर आया तो भारत का मानसून प्रभावित होगा, भारत के अंदर वर्षा कम पड़ती होगी, अगर भारत के अंदर वर्षा कम होगी ना, तो भारत के अंदर ना अधिकांश क्षेत्र में आज भी जो कृषि हो रही, कृषि पता किस पर निर्भर, मौसम पर निर्भर, अगर मौसम पर निर्भर इसका मतलब मानसून पर निर्भर, वहाँ वर्षा चाहिए ही चाहिए, काम चलने का नहीं, रबी के खरीफ की फसल बर्बाद हो जाएगी। पंजाब हरियाणा जो किसान है ना, पंजाब हरियाणा और यूपी के किसान बर्बाद हो जाएंगे, अगर वे बर्बाद हुए ना तो सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर कितना भी कुछ कर लो, ये बात इकोनॉमिक्स में पढ़ाई थी, भारत जड़ से लेकर पैर तक, सर से लेकर पैर तक प्रभावित होगा, समझ में आया बात यार, तो इस बात को मत भूल लो। अब तो बता दो अल नीनो क्या है, अब तो जानने की इच्छा बढ़ रही है, क्या है, कैसे हो रहा, प्रभाव सारा पता लग गया, ये पता लग गया अल नीनो क्या है, अल नीनो खतरनाक हमारे लिए और ला नीनो बेकार, और इतना भी पता लग गया ये प्रशांत महासागर में होने वाली कोई घटना नहीं है, जलवायु में परिवर्तन घटना नहीं है, घटना तो हो जो छोटी हो, लघुकालिक परिवर्तन हो, ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन है, 4 साल में एक बार देखा जाता, फिर वैज्ञानिकों का दिमाग काम करते हैं 2 साल बाद ही आ गया, तो ये तो 3 साल तक जा ही नहीं रही घटना है इनका दिमाग, इसलिए इस पर ज़्यादा रिसर्च स्टडी नहीं हुई, और जितनी भी स्टडी थे सवाल पूछे जा रहे, नो देखो इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है भारत में, अगर ये आने वाला तो बच्चा कैसे जा सकता है, समझ में आया बात यार, मैंने कहा तो भारत का ना मानसून प्रभावित होगा, अगर कहीं का मानसून, भारत का मानसून प्रभावित हुआ, भारत का ही नहीं हो सकता, इस पर सवाल ये पूछ लो, ला अल नीनो आया, तो ये बताओ कि वैश्विक स्तर में क्या क्या बदलाव हो रहे, वैश्विक विश्व में क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, फिर कहाँ किसके घर में बड़ा हो जाएगा, अगर उसने पूछ लिया कि विश्व में क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका, फिर किसके घर में घुस हो जाएगा, हाँ अब मुँह दिखाने लगे नहीं तुम कहीं आया समझ में, तो इसलिए तमीज से पढ़ो एक बार के भाई, ए क्या है ए? चले इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं है, अब सोच लो यहाँ नॉर्मल ईयर चल रहा हमारा, चुप हो जाओ, अब नॉर्मल ईयर का मतलब ना तो अल नीनो आया ना ला नीनो आया, तो फिर चल क्या रहा, अब वो भी समझ लो चल क्या रहा, ऐसे चलता रहा यहाँ प्रक्रिया, कितना मस्त मौसम है यहाँ का, सुहाना मौसम, देखो हल्का हल्का नजर दौड़ा लो, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा आया, विषुवत रेखा आया, भारत यहाँ तो नहीं हो गुजरता, देखो हो रहा भारत यहाँ से, तुम्हारा प्यारा प्यारा भारत, इसे मत भूलना, गुजरा जमाना, यही पैदा हुए तुम, यही को बैठे तुम, पढ़ रहे भी बैठ कर, ऐसा समझ लो ठीक, अभी विश्वत रेखा यो अफ्रीका बेचारा गरीब देश, ऐसा समझ लो, यो मेडागास्कर द्वीप, यो ऑस्ट्रेलिया, यो हमारा दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका, यो हमारा उत्तरी अमेरिका, नीचे अटलांटिक महासागर पढ़ता नहीं, अटलांटिक महासागर, उसके बाद ध्यान सुनते रहना अच्छे तरीके से, क्या क्या बताया जा रहा, यहाँ अरब सागर मौजूद है, यहाँ बंगाली खाड़ी मौजूद है, बताया था मैंने तुम्हें, इसे यहाँ भी समझ सको, अरब सागर मौजूद है, बंगाली खाड़ी यहाँ मौजूद है, समझ में आया बात क्या, तो एशिया ऊपर हमारा, इधर यहाँ क्या साइड में यूरोप,
यहाँ यूराल पर्वत हमारा है, यूरोप है, ईयू का मतलब यूरोप, ये अफ्रीका हमारा नीचे, हाँ समझ, यहाँ हमारा मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर जिसे बोलते हैं, ये सारी बातें पता होनी चाहिए, सब सुनूंगा मैं, सब एक चीज़ पूछूंगा क्या क्या बताया गया। उसके बाद जो जीरो डिग्री या जीरो डिग्री अक्षांश है ना, जो जीरो डिग्री विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के आसपास की जो जमीन है ना बहुत गर्म रहती है, बहुत गर्म रहती है विषुवत रेखा के आसपास, सूर्य की किरणें साल भर खड़ी पड़ती हैं, समझ बात, इसे आसान भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो तुम, ऐसे भी समझ सकते हो, हमारी पृथ्वी है ये हमारा जीरो डिग्री अक्षांश, तो जीरो डिग्री अक्षांश यहाँ ना ऊपर 30 डिग्री अक्षांश ऊपर 30 डिग्री नीचे, या 23.5 डिग्री कह दो कोई दिक्कत नहीं है, 30 डिग्री अक्षांश ऊपर चले जाओ 30 डिग्री नीचे चले जाओ, ठीक। इसके बीच का जो क्षेत्र है ना, इस वाले क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इतनी बात बता दो समझ में नहीं है, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तो ये जो पूरा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, बात समझ में आई। अभी चल क्या रहा नीचे, तो जो यहाँ अटलांटिक महासागर के पास था ना, जो जलधारा चल कर आ गई, जो जलधारा ऐसे चल कर आ गई ना, ऐसे करके गुजरेगी और ये ऐसे करके यहाँ मुड़ जाएगी जाकर, तो ये टच टक टच होगा नीचे बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ों, तो जो पानी नीचे तक टच होगा, पहाड़ से टच होकर आ रहा बर्फ के पहाड़ तो ठंडा होगा गर्म होगा, इसलिए महाद्वीप के हमेशा जो महाद्वीप हो, महाद्वीप के जो पश्चिमी भाग हो, पश्चिमी भाग पर ना ठंडी जलधारा बहती है, और जलधारा का नाम ना, जलधारा का नाम उसके किसी देश के नाम पर रख दिया जा, तो यहाँ एक देश पड़ता है उसका नाम है पेरू, 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 इसके ऊपर पड़े इक्विडोर, इक्विडोर जो पेरू देश पड़ता है ना, पेरू तो विषुवत रेखा, पेरू तो गुजरती नहीं, बस थोड़ी सी बच जा, चाहे तो मैप में भी देख सकते हो विषुवत रेखा, पेरू तो नहीं गुजरती है, तो जो पेरू देश के नाम पर इस जलधारा का नाम रखा गया, जल तो बहने वाले पानी जा रहा है कुछ नहीं, जलधारा बस जलधारा का नाम रखा गया और पानी जा रहा है, ऐसा करके पानी जाएगा ना, ऐसा करके पानी जा रहा है, ऐसी ठंडी जलधारा आया, और ठंडी जलधारा की एक ही विशेषता हो, ठंडी जलधारा वाष्पन का पानी ऊपर नहीं उठ सकता, अच्छा पानी ऊपर नहीं उड़ सकता पानी, तो यहाँ का जो पानी है ना वो पानी वाष्पन को ऊपर नहीं उड़ सकता, क्योंकि जो ठंडा जल हो ना उसमें गुण नहीं होता कि उसका वेपराइजेशन हो जाए, पानी को जब गर्म करोगे जब उसका वेपराइजेशन होगा तभी इसका वाष्पीकरण होगा, और पानी वाष्पन का ना ऊपर उड़ जाएगा हवाओं के साथ, ऐसा उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, हल्की हवाएं ऊपर उठती, जो हल्की हवाएं हड़का जाएगा और ऐसा करके ऊपर उठना स्टार्ट होगा, फिर ऐसे चलकर चलता, फिर ऐसा करके यहाँ बादल बनागा, सही बात है, फिर धीरे धीरे फिर ऐसा करने का स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ बरसा होने स्टार्ट होगी, जाना फैलता चल जाएगा, ये कारण हो, ठीक। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पेरू जलधारा है, ठंडी जलधारा, ऊपर से क्या हुआ, गर्मियों के मौसम में ना, गर्मी ध्यान तो सुनते रहे ना, गर्मियों के मौसम में, जब गर्मियों के मौसम में ITC जेट नीचे खिसकना स्टार्ट हो जाए, खिसकना स्टार्ट होगा, ITC जेट यहाँ आ चुका हो 23 सितंबर के आसपास, 23 सितंबर के आसपास विषुवत रेखा पास चुका हो, यहाँ की जमीन हो जाएगी गर्म, क्या हो जाएगी, गर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी, जब यहाँ की जमीन गर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी ना, तो ऊपर से भी यहाँ सोच लो गर्म जलधारा आनी स्टार्ट हो जाएगी, अभी अल नीनो नहीं आया ना ला नीनो आया, तो यहाँ पता क्या हुआ, ऊपर से ना जमीन गर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी, और वहाँ तक ना जमीन जब गर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ से क्या करो, विषुवत रेखा तो काल्पनिक रेखा, यहाँ उत्तर में हो, यहाँ आना स्टार्ट, यहाँ सोच रहे हैं यहीं का जल गर्म होगा, जब यहीं का जल गर्म होगा तो जल गर्म होकर थोड़ा ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा तो ऐसे चलनी स्टार्ट कर देगी, ऐसे कुछ तो मान लो यहाँ बादल, तो यहाँ जल ऊपर उठा, कुछ धारा इधर चल दी पानी वाली, कुछ इधर चल दी और उधर होने के बाद इधर चली आई, यहाँ ठंडी जलधारा मिलेगी, यहाँ नीचे तो ठंडी जलधारा, यहाँ गर्म जलधारा, तो ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा यहाँ मिल जाए ना, नीचे तो पता क्या लेगा, वो नीचे ठंडी जलधारा है, नीचे तो पोषण युक्त प्लैंकटन लेगा, वो प्लैंकटन एक प्रकार का ना उनका मछलियों का भोजन हो, इस अच्छे तो मैं ठंडी जलधारा गर्म जलधारा दोनों मिल जाती है ना, वहाँ प्लैंकटन बड़ी मात्रा में हो, और प्लैंकटन जो हो ना वो मछलियों का भोजन हो, पोषण युक्त लवण हो में उसके अंदर, और मछलियों का खाने का स्थान होगा, और बताओ अगर कहीं उन्होंने गुड़ डाल दिया तो फटाफट चिट्टी चिपक जाएगी यहाँ, अब बताओ यहाँ मैंने प्लैंकटन डाल दिया अलग, क्योंकि ठंडी जलधारा के द्वारा लाया गया था, ठंडी जलधारा गर्म जलधारा दोनों, तो उन मछली के उत्पादन के लिए बड़ा अनुकूल माना जाता इस बात को ना, तो जो पेरू के आसपास के दक्षिण अमेरिका के रहने वाले लोग बड़ी मात्रा में यहाँ के मछुआरे यहाँ पहुँचते हैं, और बड़ी मात्रा में वो मछलियों को पकड़ के ले आते हैं मछुआरे यहाँ, तो मत्स्य पालन के लिए बहुत बेनिफिट माना जाता है, साधारण वर्ष चल रहा, अभी अल नीनो नहीं आया, अभी ला नीनो नहीं आया, ये बात बता दो समझ में आई नहीं है यहाँ तक, क्या तो बताओ, यहाँ तो ठंडी पड़ रही होगी, गर्मी थोड़ा ही होगी यहाँ, या तो ठंडी, क्योंकि ठंडी जलधारा बह रही है, जरा सोचो अगर क्या हो, अगर यहाँ चारों तरफ जल गर्म हो जाए अचानक, अगर यहाँ जल गर्म हो जाए तो मछली पैदा होगी यहाँ, समस्याएं खड़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसा ही देखा गया कभी कभी, ऐसा कभी कभी देखा गया कि यहाँ का जल न ठंडा होना चाहिए, अब तो ठंडा होना चाहिए जल, लेकिन यहाँ का जल न कभी 4 सालों के दौरान, कभी 2 साल के दौरान, कभी 3 साल के दौरान, ऐसा देखा गया कि जो पेरू के पास, पेरू देश है ना जो दक्षिण अमेरिका के पास, इधर इधर का जो हमारा भाग है, इधर का हम बोलते हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर, ये सारा प्रशांत महासागर है, इधर पश्चिमी प्रशांत महासागर, इसे पूर्वी प्रशांत महासागर, इसे हम पूर्वी प्रशांत महासागर बोलते हैं, पूर्वी प्रशांत महासागर, प्रशांत
महासागर, तो पूर्वी प्रशांत, तो पूर्वी प्रशांत महासागर के अंदर जो पेरू देश है उसकी बराबर में, पेरू देश के बराबर में, या ऐसे कहते हैं पूर्वी प्रशांत महासागर के अंदर पेरू, पेरू के तट पर, पेरू के तट पर ना कभी कभी जो जल है ना, जल, जल की जो राशि है वो बहुत गर्म हो जाता है ना, आज तक उन्होंने पता किसी को हो क्यों नहीं गर्म, या मैंने कहा इसलिए ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ, ज़्यादा स्टडी नहीं हुई, बस यहाँ की ऐसा देखा है यहाँ बहुत गर्मी पड़नी स्टार्ट हो जा, और जब यहाँ की जल ये बताओ जब यहाँ गर्म हो जा तो गर्म का मतलब क्या हो, तापमान ज़्यादा होगा, अच्छा जब जहाँ तापमान ज़्यादा हो जा वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र हो, अगर उच्च दाब का क्षेत्र हो, अब बताओ यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ लो प्रेशर नहीं क्रिएट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लो प्रेशर क्रिएट, और टेम्परेचर हाई होगा। अब मुझे एक बात बता दो जरा, जब यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और टेम्परेचर खतरनाक हो जाएगा तो बारिश तो होने की नहीं, बारिश हो जाएगी यहाँ है, लो प्रेशर क्रिएट हुआ यहाँ से टेम्परेचर होना स्टार्ट होगा, क्यों नहीं होगी बारिश, मैंने कहा जहाँ निम्न दाब का क्षेत्र हो, जो निम्न दाब का क्षेत्र हो उस निम्न दाब के क्षेत्र को आसपास तो भरने के लिए हवाएं चल पड़ती है, हवाएं इधर तो चलने स्टार्ट पड़ती है, अब यहाँ हवाएं चल पड़ती है तो यहाँ ना इस वाले भाग तो हवाएं चल पड़ती है, ऐसा करके हवाएं चल पड़ती है, ये हवाएं चल पड़ी और इस क्षेत्र में घूमती रहती है, और यहाँ ना समझ जाओ दक्षिण अमेरिका में पेरू के पास इक्वाडोर सही बात मैक्सिको यहाँ तक भी समझ जाओ भीषण मात्रा में वर्षा करती है, कभी कभी तो यहाँ ना उत्तरी अमेरिका तक भी इसका असर दिखाई देता, टार्नेडो हो जाते हैं, हाँ इस अल नीनो कारण टार्नेडो, टार्नेडो मैंने तुम बताया था नहीं तूफानों चक्रवाती तूफानों में, सही बात है, इसके अंदर उत्तरी अमेरिका तक इसका असर दिखाई दे, इतना भयंकर अल नीनो या इसी घटना का नाम अल नीनो हो, इसे तो अल नीनो बोल, कभी कभी क्या हो पूर्वी प्रशांत महासागर में जो पेरू के तट वाला भाग हो ना वो बहुत वहाँ का जो जल हो वो गर्म होना स्टार्ट हो जा, और जब गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा तो तापमान बढ़ गया, और तापमान बढ़ गया तो निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हुआ, और जब निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हुआ तो आसपास तो क्या चल पड़ती है हवाएं, इधर से भी हवाएं चल पड़ेगी, इधर से भी इसे भरने के लिए, अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ जो हवाएं चल पड़ती है ना तो ये हवाएं गर्म होकर, गर्म तो होगा यहाँ गर्म हो कहाँ उठती है, ऐसे चलना स्टार्ट करती है, ऐसे चलना स्टार्ट करती है, और धीरे धीरे इस वाले भाग में ना बड़ी मात्रा में तूफान लेकर आती है, बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में घना घोर वर्षा हो, बाढ़ का कारण बनता है एल नीनो, इनके लिए तो तबाही ला दो, दूसरा यहाँ के मछुआरे प्रभावित हो जा, कितना नुकसान, एल नीनो पता लग गया क्या हो, ला नीनो नहीं है, यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हुआ, और युद्ध कभी कभी तो कहते हैं इतना खतरनाक हो एल नीनो, इतना खतरनाक हो जा क्यों ना, अब यहाँ क्या हुआ देखो, यहाँ गर्मियों के मौसम में हमारे क्या हो, जून जुलाई हमारे यहाँ जून जुलाई अगस्त इनमें वर्षा हो, सितंबर था पहले पहले, अब गर्मियों में कहते हैं ना, कह रहे यहाँ का भी जल खींच लगा, यहाँ का भी जल खींच लगा, ये यहाँ का भी जल खींच लगा, और जो नीचे हमारे यहाँ नीचे नहीं बताओ नीचे हमारे यहाँ यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हो रखा है, हाई प्रेशर क्रिएट हो रखा है, और यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो रखा है, भारत के पश्चिमी भागों में लो प्रेशर नहीं क्रिएट हो रखा है, और तो यहाँ से लेकर हवाएं यहाँ जा रही उठ उठ कर हवाएं यहाँ जा रही, और जो हवाएं यहाँ तो उठ कर जा रही इनके अंदर नमी नहीं होगी, बड़ी मात्रा में नमी मौजूद होगी, अब पता क्या होगा, और जब नमी मौजूद होगी इस बार तो एल नीनो आ गया, एल नीनो आ गया जो मानसून उधर जा रहा था ना बेटे, मानसून इधर ट्रांसफर हो जाएगा, जो मानसून उधर जा रहा था ना उसे खींच लगा, इसका प्रभाव इतना खतरनाक हो, इतना गर्म हो जा यहाँ तक कि हवाएं भी खींच लगा हो, अब बताओ उधर जो बारिश हो रही थी ना बारिश नहीं होने की, समझ गए, बारिश नहीं होने की, अब बारिश नहीं होने की तो समझ लो भारत का मानसून प्रभावित होगा, ऐसी घटना वर्ष 1952 से लेकर ना वर्ष 1952 से लेकर अब तक 20 बार एल नीनो आया, एल नीनो भारत के अंदर 20 बार आ चुका 1952 से लेकर 2022 तक, मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कह रही, गूगल पर जाओ टाइप करो सर्च करो, विश्वास तो होगा मेरे ऊपर, सही बात है, और 20 बार में तो ना समझो 5-6 बार लेट हो चुका हो, ऐसे लगा था लोगों को बस एक साल रुकागा फिर चला जाएगा, इसी साल की बात है ना, कभी कभी 3-3 साल भी रुका, तीन साल भारत में सूखा पड़ा क्योंकि मानसून ही नहीं लौट जो जा पाया, हाँ जा पाया, इतना प्रभाव डाल रहा, अब तुम्हारे दिमाग में घुस गई बात, कितनों की समझ में आएगी, ऐसा कर दो ऐसा कर दो समझ में आएगी, क्यों अगर एल नीनो समझाना होगी समझा दोगे, एल नीनो क्या है एक बार सोच लो क्या है हुआ भाई, गर्मियों के मौसम में क्या हो, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जा या, तो यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाए तो इधर हवाई चल पड़ती है, हवाई लो हाई प्रेशर तो लो प्रेशर की तरफ हवाई चल पड़ती है, अब ये बताओ जो मानसून बेचारा प्यार के साथ जा रहा था साधारण वर्ष में, समझ नहीं बात, अब उस मानसून की चोरी करके इधर भेजा जा रहा मानसून को, हाय कितना हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, हाय कितना हाई प्रेशर क्रिएट, वहाँ तक क्यों भी खींचे लगा, हाँ समझ इधर इधर नहीं समझ जाओ, जो बारिश हो रही थी ना उस बारिश से भी प्रभाव पड़ेगा, इसे बोलते हैं हम ला नीनो, अल नीनो, अल नीनो,
पता लग चुका अब तक 20 बार अलनीनो आ चुका, और 20 बार मतलब ना अलनीनो लेट हो, ऐसा मानना जाता था एक साल बाद लौट जाएगा, तो लौटता नहीं ना, 6 बार लेट हो चुका अब तक, और 2-3 साल तक भारत में ठहरा। अब इस अनुमान लगाया जा रहा, रिपोर्ट बताती है, कहती है साउथ अमेरिका के अंदर ना, साउथ अमेरिका उसके अंदर एक सुपर कंप्यूटर है, यू कह रहे इस बार अलनीनो आने वाला, सुपर कंप्यूटर ने कहा एल्फ नाम का, ALPH नाम का सुपर कंप्यूटर। पता क्या हो सुपर कंप्यूटर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तुम, जो कैलकुलेशन को करने में ना तुम समझ बात किया, जिस कैल में तुम एक सवाल दे दिया उस कैलकुलेशन जोड़ने घटाने का, उसे करने में तुम 4.62 करोड़ वर्ष लोगे, उसे सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में कर देगा, पलक झपकते ही। ऐसे कंप्यूटर को हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। वो सुपर कंप्यूटर ने बताया ALPH नाम का, एल्फ नाम का सुपर कंप्यूटर, उसने कहा CO2 की मात्रा ना आने वाले 50 सालों के अंदर 2 गुनी हो जाने वाली। CO2 जितनी है, अगर CO2 बढ़े ना तो समझ जाओ ग्लेशियर सारे पिघलने, CO2 गर्म गैस मौजूद है, ऐसे समझ लो हमारे जो महासागर ने ये CO2 को ग्रहण करते हैं, इनकी क्षमता भी खत्म हो जाएगी, ऐसा कार्बन सिंक बोल रहे हैं ना, ये कार्बन सिंक का कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, इनकी क्षमता भी खत्म हो जाएगी। तो बहुत चिंता का विषय, लगातार बढ़ती जा रही। ये सुपर कंप्यूटर जो साउथ कोरिया के अंदर एक यूनिवर्सिटी है उसके अंदर सुपर कंप्यूटर का रिसर्च करके ये बात पता सामने आई, और ये सारा काम किसके कारण होगा, अलनीनो के कारण होगा, अलनीनो बहुत खतरनाक है, समझ में आया बात है? ये खास बात है अलनीनो की, अलनीनो ने क्या, अब तुम बताओ मुझे क्या अलनीनो ने भारत के मानसून पर प्रभाव डाला? भारत के अंदर दक्षिणी पश्चिम मानसून प्रभावी हो, लेकिन क्या उसने दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित किया? कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जहाँ पेरू के पास ना निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हुआ, जब निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हुआ आसपास तो हवाएं चल पड़ती है, तो मेडागास्कर के पास था ना जो मानसूनी हवाएं भारत की तरफ जारी थी, उनका ना उन्हें डाइवर्सिफाई कर दिया गया, उनका मार्ग विचलित करके अपनी ओर मोड़ लिया, और मानसून को ऐसे खींच लिया गया, मानसूनी हवाओं को ऐसे खींच लिया। तो बताओ अगर ये भारत का मानसून प्रभावित होगा, भारत का मानसून प्रभावित हुआ, हाँ, तो भारत का क्यों प्रभावित हुआ? क्योंकि अलनीनो चलाया, अलनीनो की कहानी बिल्कुल इस तरह, जिस तरह शक्तिमान के अंदर तमराज किलमिस था, समझ में आती हो, आया ना तो फिर सब कुछ प्रभावित कर देता हो, समझ में आती है? तो ऐसा ही हो बिल्कुल। तो यहाँ समझ जाओ कि यो ना अगर अलनीनो आया तो फिर भारत के अंदर देखो कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा, और विश्व में कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा। पहली तो खास बात है यार कि विश्व में कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा, फिर हम भारत में आ जाएंगे, समझ नहीं, पहले हम पता करेंगे कि अलनीनो का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा। अभी तो तुमने देख लिया टॉर्नेडो आ जाएंगे, दूसरे नंबर पर बाढ़ आ जाएगी, और बड़ी अत्यधिक मात्रा में घातक वर्षा भी होगी, समझ बात है? तीसरे नंबर पर और भी कहीं प्रभाव पड़ेगा इसका, तो हम हर जगह देखेंगे इसका कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन सी इंडस्ट्री पर प्रभाव पड़ेगा, मत्स्य उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम सारे इसके मल्टी डायमेंशन देखेंगे। ऐसे ही तुम क्वेश्चन लिखना, समझ सब सका इंसान, कोई भी चीज़ इंसान के रेंज से बाहर नहीं है, समझ में आया बात है? सारा खेल उसका ही रिवीजन करने का, 3 घंटे अलग से निकाल लो रिवीजन करने के, समझ में बात, 3 घंटे का टाइम टेबल ऐसा हो, तुमने कुछ नहीं करा, सिर्फ कॉपी उठाकर पढ़ी 3 घंटे और कुछ नहीं करा तुमने, इसलिए तुम्हें डेली आधा घंटे देता हूँ मैं, ताकि तुम्हें डिसिप्लिन में ला सकूँ मैं। अब क्या होगा, चलो वैश्विक स्तर पर देखा इसका कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा। अब अलनीनो के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, लालनीनो तो नहीं समझाऊँ अभी, मैं चाहता हूँ अलनीनो को थोड़ा तमीज से लिख लो और पढ़ लो, ताकि तुम्हें भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेन चीज़ तो तुम्हें समझ माना अलनीनो क्या हो, अब तुम्हारे दिमाग में घुस चुकी बात, और तुम कहीं भी अलनीनो का मैप बनाओगे, एक तो साधारण मैप बनाओगे, एक कैसे बनाओगे अलनीनो का, फिर कौन सा बनाओगे लालनीनो का। अच्छा लालनीनो क्या हो, लालनीनो में इसका डायरेक्ट उल्टा हो, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जा, वहाँ ही प्रेशर क्रिएट हो जा। लालनीनो भारत के लिए अच्छा हो, अभी आया हुआ भारत के अंदर 3 साल हो गए उसे, ये भारत के लिए बेनिफिट है। भारत के अंदर जो जितनी वर्षा होनी चाहिए थी ना, उससे 7% ज़्यादा ही हुई, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना, जिस पर मैं कभी विश्वास ही नहीं रहा, समझ में बात है, 7% ज़्यादा वर्षा हुई भारत के अंदर, तो इन्होंने अंदाजा लगाया 2020 में लालनीनो आया था, और वो अब तक ठहरा हुआ फरवरी तक ठहरेगा, शायद वैलेंटाइन डे मनाकर चला गया भारत के अंदर था, समझ में बात है? लालनीनो बिल्कुल डायरेक्ट इसका उल्टा, वो तो भारत के लिए बेनिफिट है, लालनीनो तो आ जाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें दुखी होना चाहिए, क्यों पूछो क्यों, लालनीनो जा रहा फरवरी के बाद, उन्होंने भारत के अंदर ना वर्षा करी, भारत के अंदर जितनी कृषि मौजूद है ना यार, वो भारत जितनी भी कृषि मौजूद है वो सारी की सारी अधिकांश कृषि मानसून पर निर्भर है, अगर मानसून पर प्रभाव पड़ेगा ना, लेकिन एक साल बाद रिपोर्ट कह रही कि अलनीनो आने वाला, और जब अलनीनो आता ना तो तबाही मचा देता, आया समझ लो, भारत के अंदर मानसून नहीं पहुंचने का,
सूखा वहां भी पड़ेगा, ये पश्चिमी घाट वाले में ना मक्खी मारेंगे बैठकर, समझ में बात यार। राजस्थान वालों को तो नहीं, तेलंगाना वालों को तो क्या होते ही ठीक है, ये सारे बैठ कर मक्खी मारेंगे। आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार, ठीक फिर गाने गाते रह जाएंगे। आजा मानसू ने कहेंगे आजा, अली ने कह लिया आलिया मांग ले भीख, क्यों? क्योंकि सूखा पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जब सूखा पड़ेगा ये बताओ, ए चुप हो जाओ, ये बताओ तो भारत की कृषि प्रभावित नहीं होगी? कृषि क्षेत्र अगर बताओ प्राथमिक क्षेत्र प्रभावित होगा? आप तो नहीं समझ जाओ, गरीबी का दुष्चक्र पूरा आ जाएगा, ये भर गया एक पेज भर ही जाएगा पूरा का पूरा। ऐसा समझ, भारत के जीडीपी में ना अलनीनो कहने से लगभग 2% की गिरावट आती है। यस 2,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान भारत को, लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान। ये हो कि क्यों? क्योंकि अलनीनो चलाया था, समझ बात क्या? तो ऐसा क्या कर कि अलनीनो ना हो? अब तुम सोच रहे हो अलनीनो आ क्यों रहा, ये तो मुझे भी नहीं पता। ऐसा समझ में, इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि जब ना कार्बन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, गर्म क्यों हो रहा है? गर्म इसलिए तो हो रहा है क्योंकि कार्बन की मात्रा, तो कार्बन की मात्रा को हमें कम करना होगा, कार्बन का उत्सर्जन कम करना होगा। यार कोयले का उपयोग कम करो ना तुम, समझ में बात किया? तो हमारे वही सारी बात वही आ रही, इन्वायरमेंट घूम फिरेगा, समझ में बात किया? कार्बन का उत्सर्जन कम से कम करना होगा, अलनीनो को रोकना ही होगा। वो सुपर कंप्यूटर सही कह रहा था, समझ में बात किया? क्योंकि यार अलनीनो आगा, वो बताएगा तुम्हें बार बार, अलनीनो तो बढ़िया। लोग कहते हैं बिलियन रास्ता काटती है, अशुभ अशुभ नहीं है वो, शुभ हो वो, तुम्हें बता रही तुम्हारी जिंदगी में कुछ आने वाला, समझ में बात है? अशुभ कुछ नहीं होता। चलो एक काम करो, थोड़ा लिख लेते हैं, समझ में बात किया? अलनीनो हेडिंग बना लो, अलनीनो हाँ। हैडी बनाओ अलनीनो, चुपचाप बैठो लिखने के बाद जाइए। आज तो कोई मरा सूखा थोड़ा ही पड़ रहा, अलनीनो थोड़ा ही आया अभी, अलनीनो नहीं आया ना अभी, अभी लानीनो चल रहा। लिखो हैडी बनाओ, अलनीनो हैडी बना ली, लिखो अलनीनो की घटना, अलनीनो पहले लिखो, अलनीनो एवं लालीनो, अलनीनो एवं लालीनो, अलनीनो एवं लालीना लिखना, नीना ऐसे लिखो उसमें, अलनीनो एवं लालीना लिख दिया, जो बताऊं वही लिखना, लिख दिया ना? जटिल मौसम पैटर्न है, जटिल मौसम पैटर्न है। ध्यान जटिल मौसम पैटर्न है, अब बताओ ये जो पैटर्न कहां दिखाई देगा ये बताओ मुझे, पहले विषुवत रेखा के पास दिखाई देगा, कौन से महासागर में दिखाई देगा? लिखो हेडिंग क्या बना रखी तुम, अलनीनो बना रखी ना, यह पैटर्न यह पैटर्न महासागर के तापमान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है, यह पैटर्न महासागरीय तापमान में भिन्नता के कारण, यह पैटर्न महासागरीय तापमान में भिन्नता के कारण, भिन्नता मतलब समझते हो उसका तापमान बदल चुका, महासागरीय तापमान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है। ठीक कोई दिक्कत नहीं है, अब हेडिंग बनाओ, अब नई लाइन से लिखना स्टार्ट करो, अलनीनो के बारे में लिखेंगे। ठीक लिखो अलनीनो की घटना सबसे पहले, अलनीनो की घटना सबसे पहले पेरू के मछुआरों ने
पेरू के तट से, पेरू के तट से दूरी, पेरू के तट से दूर, पेरू के तट से दूर सतह, सतही जल, पेरू के तट से दूर सतही जल के गर्म हो जाने के रूप में जाना था। मैंने कहा उन्होंने देखा था कि हाँ सतह का जल गर्म होगा, सतही जल के गर्म होने के रूप में जाना था। अब अल नीनो नाम की नदी आसन, यहाँ अल नीनो, मैंने एल नीनो लिख रखा है यार, ये नाम दिया स्पेनिश वालों ने, स्पेनिश, स्पेन के जो रहने वाले लोग थे ना उन्होंने से नाम दिया अल नीनो। समझ में बात यहाँ, जिसका अर्थ छोटा छोटे छोटी बच्ची, छोटा लड़का, लिखो लिखो छोटा बच्चा कह दो, लिखो स्पेनिश, स्पेनिश प्रवासियों ने, स्पेनिश प्रवासियों ने, स्पेनिश प्रवासियों ने इसे अल नीनो कहा, स्पेनिश प्रवासियों ने इसे अल नीनो कहा, स्पेनिश प्रवासियों ने इसे अल नीनो कहा, अल नीनो कहा, जिसका अर्थ स्पेनिश में छोटा लड़का होता है। कोई दिक्कत यहां तक? और एक खास बात याद रखना कि दुनिया की 4-4 साल बाद लौट का ये कोई नियमित चक्र नहीं है, ये कभी 2-7 साल के दौरान कभी भी हो सके। लिखो अल नीनो एक नियमित चक्र नहीं है, लिखो अल नीनो एक नियमित चक्र नहीं है, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अल नीनो एक नियमित चक्र नहीं है, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। नियमित चक्र नहीं है, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये 2-7 साल के अंतराल पर ये 2-7 साल के अंतराल पर अनियमित रूप से होती है, ये घटना, ठीक, ये घटना 2-7 साल के अंतराल पर अनियमित रूप से होती है, कोई टाइम फिक्स नहीं है इसका, अनियमित रूप से होती है। ये सब मैं पहले समझा चुका, अनियमित रूप से होती है, बस तुम्हें लिखने के लिए भाषा दे रहा हूं। अच्छा ये बताओ, ये जो अल नीनो की घटना, ये उत्तरी गोलार्ध में देखी जा रही, दक्षिणी गोलार्ध में देखी जा रही? ऊपर का कौन सा भाग है उत्तरी गोलार्ध, नीचे कौन सा? तो दक्षिणी गोलार्ध में। इसलिए ना यहाँ की जो हवाएं ना गर्म हो, देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऐसे करके उठती है, उठी गर्म हवाएं ऊपर उठती है, ऐसे चल पड़ती है, फिर टकराती है, फिर ऐसे करके चलती है, फिर ऐसे करती है, पूरा का पूरा सही बात है, फिर ऐसे चलती है, हो रहा नहीं? घड़ी को देखा तुमने, पेंडुलम ऐसे ऐसे करता, पेंडुलम इसे हम ओसिलेशन बोलते हैं, ओसिलेशन दोलन, दोलन इसे बोलते हैं, दक्षिण मोरानी दोलन, मौसम विज्ञान विभाग का कहना, विश्व मौसम विज्ञान विभाग का कहना, जो अल नीनो है ना यो ना दक्षिणी दक्षिणी दोलन करता, दक्षिणी दोलन, लिखो मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अल नीनो की घटना, अल नीनो की घटना दक्षिणी दोलन के साथ होती है, दक्षिणी दोलन के साथ होती है।
मौसम विज्ञान विभाग ने इसे मौसम विज्ञान विभाग ने इसे अल नीनो दक्षिणी दोलन कहा है। अल नीनो दक्षिणी दोलन कहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने इसे अल नीनो दक्षिणी दोलन कहा है। और जो नाम लिखा है तुमने क्लिक कर दियो पूरा नाम को, अल नीनो दक्षिणी दोलन, दक्षिणी दोलन के रूप में परिभाषित किया है, कहा है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत यहाँ तक? हेडिंग बनाओ अल नीनो का प्रभाव, यानी बनाओ अल नीनो का प्रभाव। अल नीनो का प्रभाव कोई दिक्कत? अब बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? जरा एक बात बताओ, जब वर्षा सारी वहां हो रही, यहाँ का भी जल वही खींच कर चला जा रहा, तो ऑस्ट्रेलिया में तो वर्षा होती नहीं होगी, ऑस्ट्रेलिया में पड़ जाए फिर सूखा। समझ बात है? तो पहला प्रभाव देखो कहाँ कहाँ पड़ता। पहला प्रभाव पड़ेगा महासागर पर, ये महासागर है ना पूरा, तो महासागरों के अंदर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक तो महासागर के अंदर ना जो मत्स्य नक्षत्र वो प्रभावित होगा। आज बद तो पहली हेडिंग बनाओ महासागरों का प्रभाव, नंबर एक महासागरों पर प्रभाव, नंबर एक महासागरों पर प्रभाव। तो ये बताओ, जब यहाँ का जल गर्म हो जाएगा तो समुद्र के अंदर तापमान गर्म नहीं हो जाएगा और समुद्र का पानी गर्म नहीं हो जाएगा? जब समुद्र का पानी गर्म हो जाएगा तो ये बताओ, तो इसके अंदर जो रहने वाले जीव गर्म जल के अंदर में रह लेंगे, छोड़कर ही भाग जाएंगे। तो इसका ये मतलब होगा, नंबर फर्स्ट, एक तो मत्स्य जो क्षेत्र होगा ना वो प्रभावित होगा। लिखो इसके अंदर थोड़ा अलग अलग पॉइंट बनाएगा, ऐसे तीर का चिन्ह खींचकर लिखो, मत्स्य क्षेत्र प्रभावित तथा समुद्र का तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना ही लिखने का मौका मिलेगा तुम्हें। मत्स्य क्षेत्र प्रभावित तथा समुद्र का तापमान बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? दूसरा, जो स्थल खंड होंगे इसके आसपास, वहाँ वर्षा में वृद्धि नहीं होगी। अगर वर्षा में वृद्धि हुई तो क्या बाढ़ की, बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होगी, अपरदन भी होगा और भूस्खलन भी होगा। तो अगले हेडिंग बनाओ वर्षा में वृद्धि, दूसरा प्रभाव पड़ेगा अल नीनो का, वर्षा में वृद्धि। वर्षा में वृद्धि हेडिंग बना ली, इसके अंदर अंदर का पॉइंट लिखो, तीर का चिन्ह खींच कैसे करके लिखो, नंबर फर्स्ट, स्थलखंड पर वर्षा में वृद्धि, अपरदन, वर्षा में वृद्धि अपरदन कोमा भूस्खलन तथा बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, तथा बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, बाढ़ जैसी भयानक समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा, अब मुझे जरा एक बात बताओ, यहां कौन सा महासागर एस के प्रकार क्या करते हो, उसका नाम क्या हो? अटलांटिक महासागर, ये सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा अटलांटिक महासागर के अंदर। सुन लो, ध्यान लगा के सुन लेना, अटलांटिक महासागर के अंदर ना
ऑटोमेटिक जो उठने वाले तूफान थे, क्यों इधर की भी वहाँ खींच लगा, इतना खतरनाक सही बात है, इधर का भी जल खींच लगा। मैंने कहा बहुत खतरनाक हो, जब यहाँ तक का जल खींच रहे थे ना वहाँ तक का छोड़ रहा हो, समझना ये बात है, इधर का भी सारा जल खींच लगा, अब सारा जल तो यहाँ जाएगा। तो अटलांटिक महासागर के अंदर जो बड़े बड़े उठने वाले तूफान थे ना, वे कम हो जाएंगे, सकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे, तूफान नहीं आने के वहाँ से। अब जब समुद्री तूफान नहीं आने के, ये बताओ तो जो जहाज लेके जाते हैं उनको दिक्कत नहीं होने की, तो ये सकारात्मक प्रभाव होगा, कोई दिक्कत नहीं आता है, नहीं मानो सकारात्मक प्रभाव, हेडिंग सकारात्मक प्रभाव लिखो, अटलांटिक महासागर के अंदर, अटलांटिक महासागर में उठने वाले समुद्री तूफानों में कमी आएगी, अटलांटिक महासागर में उठने वाले समुद्री तूफानों में कमी आएगी। अभी इंडोनेशिया नहीं आया, इंडोनेशिया अभी भारत का, ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ना तुम, सही बात यार, ये अलनीनो की पॉइंट है। अभी भारत के अंदर आएंगे तो भारत के अंदर तो फिर हम अंदर तो बड़े कूदी लिख देंगे, अभी मैं वैश्विक स्तर वाला पढ़ा रहा हूँ। अब इंडोनेशिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सूखा नहीं पड़ेगा, यहाँ तो बारिश होने की नहीं यार, इंडोनेशिया के अंदर अब जब सूखा पड़ेगा तो जल संकट नहीं उत्पन्न हो जाएगा, और जब जल संकट उत्पन्न हो जाएगा जलाशय नहीं सूख जाएंगे, ऐसे समझ, फिर इनके अंदर घुसना चाहो तो लिख सको, नहीं तो लिखने जरूरत है, इनके जीडीपी में गिरावट नहीं हो जाएगी। तो इतना नहीं खोलना है वो, तो अपना दिमाग निर्भर करो हम कितना पॉइंट खोलना है, क्वेश्चन कितनी डिमांड है। अभी बताओ अगर वहाँ इनकी जीडीपी में गिरावट हुई तो उनके यहाँ कुपोषण की स्थिति नहीं आएगी, तो जितना पॉइंट खोलना खोल लो, तो बस तुम्हारे सामने ही है, उनके एसडीजी गोल प्रभावित होंगे। चलो ठीक, ज्यादा ही हो रहा है, अपने देश का बढ़े जा रहा है। लिखो अगला पॉइंट, सबसे ज्यादा असर पता कहाँ पड़ेगा, दक्षिण अमेरिका पड़ेगा, लेकिन ठीक सबसे ज्यादा किस असर किस पर पड़ेगा, इसलिए हेडिंग बना दो दक्षिण अमेरिका, इस अलग से बना दो प्रभाव को, कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा ना, यहाँ सबसे ज्यादा तो यही प्रभावित होगा दक्षिण अमेरिका, हेडिंग बना ली दक्षिण अमेरिका। लिखो अलनीनो के कारण दक्षिण अमेरिका में बारिश अधिक होगी, बारिश अधिक होगी लिख दिया, परंतु ऑस्ट्रेलिया व इंडोनेशिया में सूखे की घटना उत्पन्न होगी, परंतु इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में सूखे की घटना उत्पन्न होगी। इसका हाल इकोनॉमिक्स वाला हो रहा है, एक का प्रभाव दूसरे में पड़ रहा है, एक को फायदा दूसरे को नुकसान हो रहा है, इतनी बात बताओ समझाई नहीं। कोई दिक्कत, अब बताओ जो यहाँ की सिंचाई होती होगी कृषि पर निर्भर होगी, कुछ अक्षेत्र ऐसे होंगे कृषि पर निर्भर होंगे, यहाँ भी इंडोनेशिया में तो जो अक्षेत्र कृषि पर निर्भर होगी, जहाँ सिंचाई कृषि तो होती होगी, तो बताओ वो प्रभावित होगी नहीं, तो लिखो सिंचित कृषि क्षेत्र, अगला पॉइंट इसमें लिखो, इसमें अगला पॉइंट नहीं लिखो, सिंचित कृषि क्षेत्र कोमा लगा लिख दो, सिंचित कृषि क्षेत्र, सिंचित कृषि क्षेत्र भी प्रभावित होंगे, अब तुम सोचते होंगे कि यार अलनीनो की घटना कब कब आई, तो अलनीनो जो सबसे ज्यादा प्रभावी रहा ना आज तक वो 1982 में रहा, 20वीं शताब्दी में, यानी 1982 से लेकर 83 तक और 97 से लेकर 98 तक, इस सबसे खतरनाक अलनीनो आया था, नोट NOT
अल नीनो पढ़ रहे तो पूरा पढ़ो। वर्ष 1982 डैश लगा लिख दो, हाइफ़न लगा 83 एवं 97-98 लिख दिया। मैं अल नीनो बीसवीं शताब्दी की सबसे प्रबल घटना थी, बीसवीं शताब्दी की सबसे प्रबल घटना थी समझ में आया बात यह बीसवीं शताब्दी कौन सी थी प्रबल घटना थी। इस वर्ष तापमान 9 से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया था, इस वर्ष तापमान 9 से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया था। अब सोच लो कितना खतरनाक थी यह घटना। इस वर्ष सागर का तापमान, सागर बस, इस वर्ष सागर का तापमान 9 से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया था। दिक्कत है, इतनी बात बता सुन, अल नीनो के बारे में समझ में आएगा। ये अल नीनो था, अल नीनो को तुम्हें बताया कि अल नीनो का अभी वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता। अब तुम क्या करना, तुम्हारा क्या होमवर्क है, तुम्हारा होमवर्क ये है कि अल नीनो का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता, इसके सारे पॉइंट लिखने हैं अपने फिर कॉपी में, हेडिंग बना लो। अब लिखना खुद इसके बारे में, मैं सारा कर दूंगा तुम, ठीक। हेडिंग बनाओ अल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव, ठीक। जितने पॉइंट होंगे ना सारे लिखने, कुछ नहीं छोड़ना, कम से कम 8 पॉइंट लिखने इसके अंदर। कितने पॉइंट? 8 पॉइंट। अब तुमसे इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि थोड़ा जटिल पॉइंट है। अब बताओ पहला पॉइंट अगर तुम लिखने चले तो क्या लिखोगे? एक तो कर्सी तो प्रभावित जब होगी, पहले मानसून ही प्रभावित कर लो। पहली लाइन क्या लिखोगे? पहली लाइन नहीं लिखोगे, हाँ, कि अल नीनो का प्रभाव ना ला नीनो की अपेक्षा, तुलना करके लिख देगा, अल नीनो का प्रभाव ला नीनो की अपेक्षा भारतीय मानसून पर अधिक पड़ता है। सही बात है, इससे भारतीय मानसून कमजोर हो जाता है। अगर इतनी बात को अपने सरल शब्दों में लिखोगे, मेडागास्कर के पास बनने वाला हाई प्रेशर नहीं बनता क्या, से उच्च दाब का क्षेत्र धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। समझ नहीं बात है, तो इसी बात को समझ जाएगा वो। अब मैप बना दोगे साइड में करेगा, ये तो मैप फटाफट बनाना है, या तोगा ठगा का उल्टा सीधा करके बनाया, बस डिनोट करना कि मैं आदीप के नाम देखना चाहिए, इतने पे समझ जाएगा सब पता कहना क्या चाह रहे, कंटेंट एकदम होना चाहिए। समझ नहीं बात है। अब बताओ मानसून कमजोर पड़ने लगता, तो जब मानसून कमजोर पड़ने लगता अभी बताओ अल नीनो भारत अब तक आया कितनी बार, पूरी दुनिया में कितनी बार आ चुका अब तक? 20 बार आ चुका, और 20 मतलब 6 बार लेट हो चुका है। समय अल नीनो, और ये सोच लो इसका सीधा इम्पैक्ट भारत में पड़ता। वर्ष 1982 में ना, 82 में 83 में जो अब अल नीनो आया था, उसने सागर के तापमान को ना, प्रशांत महासागर के तापमान को 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया था। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने में ना कई 100 साल बीत जाए, 100 साल बाद ही तापमान नहीं बढ़ता। 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पीछे कम करने के लिए पीछे पड़े हुए हम, अब तक नहीं कर पाए कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हम कर लेंगे, और अल नीनो आया और 9 से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाकर चला गया, पूरी दुनिया पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नहीं कम हो रहा। मिलकर कभी हम कोप सम्मेलन कर रहे, कोप 26 करा, 27 करा, कह रहे कार्बन जो है ना पूरी दुनिया का तापमान कम करेंगे हम, ये कम करेंगे और बढ़ ही रहा हो। आया समझ में? तापमान पूरी दुनिया का 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम नहीं हुआ हमारे पास, और वो ना अल नीनो आया और सागर की सतह का तापमान ना 9 से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा के चला गया। अब सोच लो कितना खतरनाक रहा होगा, और ये सब मनुष्य के कारण ना, मनुष्य के द्वारा जितना भी कार्बन का उत्सर्जन करा जा रहा ना, ये ना जो महासागर हैं इनकी ना कार्बन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जा रही। ये कहते हैं किसी इंसान की खाने की क्षमता हो, तुम शादी में चले गए कितना खाओगे, इतने आइटम मौजूद है वहाँ, क्षमता खत्म। इनकी भी सागर जितने महासागर है ना, 5 महासागर मौजूद, 5-6 महासागर के ना पेट भर चुका होगा। समझ बात यार, ठीक गया, बधाई हो मनुष्य, बधाई हो।
अब मानसूनी घटना जो अलनीनो था, अलनीनो का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नंबर फर्स्ट, एक तो क्या होगा, भारत का मानसून प्रभावित होने तक जो अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेंगे मैं सारे लिखने हैं। नंबर फर्स्ट, पहला प्रभाव पड़ेगा, सबसे ज़्यादा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर। अगर कृषि क्षेत्र डूबगा ना तो भारत के दोनों क्षेत्रों को डुबा देगा। द्वितीय क्षेत्र को जिसे विनिर्माण क्षेत्र के नाम से जानते हैं मुख्य रूप से, और सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र, ये दोनों का भी संस्टेन नहीं करना पड़ेगा लंबे समय के लिए, क्योंकि भारत को भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता किस कृषि क्षेत्र को। सही बात है, गाँव के अंदर आज भी अधिकांश लोग, मैंने कहा ना सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर इसलिए बूम कर पा रहा। भारत सरकार ने इस साल के बजट में भी 24-25 का जो 23-24 का जो बजट निकाला उसमें भी बहुत बुरी तरह के नोट मारा। ऐसा आया समझ में? पता कैसे कि नोट मारा कृषि क्षेत्र को? कुछ है ही नहीं। तुम्हें लग रहा कुछ कृषि से संबंधित बातें कर रखी? इग्नोर पोज दे दिया। कौन सा पोज दिया? आया समझ में? ऐसे करके इग्नोर कर दिया तो बताओ फिर प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? समझ में आया बात यह? अगर चलो अगले साल अगर अलनीनो आ गया ये क्या कर लेंगे? कुछ कर लेंगे। समझ में बात यह? यह कहानी बिल्कुल इसी तरह ही है जिक्र अरुण जेटली को, यूँ नहीं पता था अगले साल कोरोना आ जाएगा। समझ में बात यह? और फिर सब कुछ तबाह होगा। जो GST लेकर आए थे वो विफल होगा क्योंकि उन्होंने भविष्य के बारे में सोच सके ना, भविष्य में क्या होने वाला, दुनिया में इंसान ने कितनी तरक्की कर ली, भले ही बागेश्वर फैल हो जाएंगे यहाँ से। सही बात है, मेरे दादा थोड़ा ही अलनीनो किस तरह आएगा, चाहे कि कोई से बाबा को बुला लें सारे बाबा फैल तो भविष्य बतावा ना, भविष्य उनसे पूछो अलनीनो कब आएगा। समझ में बात है, पूछो जाके बताओ अलनीनो का क्या प्रभाव पड़ेगा, कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ में बात? तो ये पता क्या हो, देश के अंदर कोई झांसे में चला जा, इसका पता लगा हमारा देश कितना। कल वीडियो देख रहा था ना, बैठा बैठा देख रहा था, एक पढ़ी लिखी लड़की आई 26 वर्ष का युवा हो जो बता रहे जिसे बाबा बना दिया तुमने, उसका एजुकेशन नहीं है कुछ भी। इस तरह का लोग हमारे देश में कितने कम पढ़े लिखे लोग, इनकी सीमा यहीं तक है। सही बात यार, सब उसे बना दिया बेकूफ फुद्दू पागल का, बढ़िया कर कदम इससे, और वो पढ़ रखी हो हमें पास आउट। सही बात, उस बस बाबा जी जी हो, हाँ यही चल रहा, वही चल रहा। अरे यार देखो हमारे देश कितना, जो कह रहा है कैंसर का इलाज ना कराने जाओ मेरे पास आओ, मैं बताऊँगा कैंसर कैसे ठीक होगा। मतलब जो सर्जन है ये बेगूब दिख, आ जाओ मेरे पास। ऐसा जैसे वीडियो आ रहा है, क्या होगा तुम्हें देश का? तो बेकार है तो मेरे MBBS करने वाले है नहीं, मैं सोच रहा पढ़ाई बेकार नहीं, बेकार मैंने की शरण में जाकर माथा टेकूँ। इससे पता लगा हमारा देश कितना कम पढ़े लिखो, पढ़ते हैं नहीं, कभी इस चीज़ के बारे में पढ़ा नहीं। अब जिसकी इंसान की 26 वर्ष की उम्र होगी उसने कितना अध्ययन करा होगा, स्कूल के दर्शन नहीं करे उसने कभी, तो कितना एजुकेशन कि मैंने कहा तो किसी इंसान की 2-4 लाइन उसका क्वालिफिकेशन देख पता लगे जहाँ कितना पढ़ा हुआ होगा, कितनी नॉलेज होगी उसका। और लोग फंस जा रहे हैं, मैं कभी दिलासा में नहीं आने का, मुझे 4 लाख समझा लें, मेरे दिमाग में घुसने की नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में पढ़ाई घुस रखी, तर्कवादी हूँ, हर चीज़ पर तर्क चाहिए मुझे। समझ में आई बात यह? तो मेरे जो अलनीनो समझ में आया क्या? अलनीनो के बारे में लिख ले जाओगे ठीक, तो अलनीनो का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ दिया मैंने, देखते तुम कितने पॉइंट अच्छे अच्छे पॉइंट लिख लेना। सब ये कोई रिपोर्ट आई ना वो भी लिख लेना कि अलनीनो का क्या प्रभाव पड़ रहा, कोई रिपोर्ट हो तो सर्च करोगे। समझ में आई बात यह? तो अलनीनो तुम्हारे लिए छोड़ दिया। अब मैं समझाता हूँ किसके बारे में, लानीना के बारे में। अभी से ये जो पैटर्न है सारा उल्टा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पता क्या होगा, यहाँ जो हाई लो प्रेशर क्रिएट हुआ था ना, जो लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट होगा भैया। यहाँ जो यहाँ ना यहाँ का जल गर्म होगा और वहाँ का जल ठंडा हो जाएगा, जब वहाँ का जल ठंडा हो जाएगा तो वहाँ के लोगों को दिक्कत खड़ी हो जाएगी, पूछो क्यों। फिर वहाँ के अगर बारिश नहीं होनी फिर वहाँ सूखा पड़ेगा, इनका तो जीना मरना बराबर होगा। चाहे लानीना आ रहा है चाहे अलनीनो आ रहा है, अब लानीनो तो भारत को फायदा हो जाएगा, भारत को फायदा हो जाएगा। समझ नहीं बात यार, तो हेडिंग बनाओ कॉपी में तुम लानीनो, तो सारा पैटर्न बदल जाएगा सारा का सारा। इस पैटर्न कैसे बदल जाएगा, जहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था ना वहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जब यहाँ का जल गर्म होगा ऑस्ट्रेलिया के पास वाला जल यहाँ गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। आया समझ में? और यहाँ जहाँ गर्म जल गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि तापमान ज़्यादा होगा, जब तापमान ज़्यादा होगा तापमान दाब के विद्कोमान बात होता तो निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो जाएगा, यहाँ आस पास तो वहीं चल पड़ती है। तो ये मानसून है ना धीरे धीरे, तो भारत के अंदर जो आने वाला मानसून है इसका असर यहाँ भी दिखाई देता, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा यहाँ भी लो प्रेशर की जाली, तो ये मानसून इधर चल पड़ता। सामान्य से अधिक ज़्यादा बारिश होती है, अब भारत के अंदर ना अधिकांश चीज़ें मानसून पर निर्भर है, तो मानसून और प्रभावित होगा तो सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी भारत के अंदर, जब वर्षा होगी तो भारत के लिए तो बल्ले बल्ले होगी, दिक्कत ही क्या है।
राजस्थान में वर्षा हुई पिछले साल, राजस्थान के अंदर ही वर्षा हुई, उस तो पिछले साल राजस्थान में बाढ़ आई थी। लानी ना रखा ना, लानी ना रखा, घबराने क्यों नहीं, लानी ना, स्वागत। हाँ समझ में आई बात यार, तो लानी ना तो समझ चुके तुम, कुछ नहीं समझ में आता ये तो समझ में ही आएगा होगा कि लालीना का भारत में अच्छा काम और अलीना हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए बेकार है। हेडिंग बनाओ कॉपी में, लालीना ठीक, इससे याद भी याद रख, भारत इसने गोवा ला आजा आजा लिखो लालीना, लिखो स्पेनिश भाषा में, हेडिंग बनाओ बस एक लास्ट, बस दो चार लाइन है, ज़्यादा नहीं है, लिखो लालीना, हेडिंग बना ली लालीना, देखो स्पेनिश भाषा में लानीना का अर्थ छोटी लड़की होता है, लानीना का अर्थ छोटी लड़की होता है, लानीना का अर्थ छोटी लड़की होता है, इसे कभी कभी एंटी अलनीनो, क्योंकि इसके विपरीत हो ना, एंटी का मतलब विपरीत होगा, इसके साथ उल्टा होगा, तो जिसके जो उल्टा हो जाना उसको एंटी बोलते हैं, तो इसे कभी कभी एंटी अलनीनो या एक शीत घटना भी कहते हैं, शीत घटना, इसे कभी कभी एंटी अलनीनो या एक शीत घटना भी कहते हैं, ऐसे तो लिखोगे भाई, शीत घटना भी कहते हैं, शीत घटना भी कहते हैं, कोई दिक्कत यहां तक, लिखो इसी कारण ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, निम्न दाब का क्षेत्र तथा उच्च ताप का क्षेत्र विकसित हो जाता है, निम्न दाब तथा उच्च ताप का क्षेत्र विकसित हो जाता है। बस दो मिनट के बाद, कोई बात नहीं, मुझे भी लग रही बहुत ज़्यादा समझ रहा, लिखो क्या लिखा, क्या लिखा जल्दी बताओ, लिख दिया ना यहाँ तक, अब हेडिंग बनाओ लानीनो का प्रभाव, नंबर एक यूरोप में देखो क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसका, लिखो इसके अंदर, नहीं यूरोप के अंदर वैसे बहुत सर्दी पड़ती है, लोग बहुत गोरे चिट्टे पाए जाए यहाँ के, अब पता क्या होगा, यह सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, अब यहाँ सर्दी की मात्रा कम हो जाएगी अगर लानीनो आया तो, लिखो नंबर एक, लिखो यूरोप, हेडिंग बना लो यूरोप में लिखो लानीनो के कारण उत्तरी यूरोप ब्राइट में लिखो ब्रिटेन, विशेष रूप से ब्रिटेन, उत्तरी यूरोप में कम सर्दी एवं दक्षिणी यूरोप में अधिक सर्दी पड़ती है, अब बताओ अगर दक्षिणी यूरोप में सर्दी पड़ी तो जो भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर इसमें भी बर्फबारी हो जा, हाँ जिस कारण भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी हो जाती है। लानीनो आया रे, आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी होती है।
दूसरा यहाँ बताओ क्या प्रभाव पड़ता होगा, यहाँ सूखा नहीं आता होगा, बारिश थोड़ी होगी ना यहाँ, क्या जगह यहाँ कौन सा अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका हैडी बनाओ दक्षिण अमेरिका, देखो दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में पेरू इक्विडोर कोलंबिया में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, पेरू इक्विडोर कोलंबिया कोमा लगाकर देशों के नाम है, पेरू इक्विडोर कोलंबिया में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, पेरू इक्विडोर कोलंबिया में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, पेरू इक्विडोर कोलंबिया में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो एक बात बताओ ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो खतरनाक बारिश होती होगी, इसके पास ही तो निम्न दाब क्षेत्र तो झमाझम बारिश हो लानी होता है भयंकर तरीके से, इसलिए हैडी मनाओ अगला पॉइंट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैडी मनाओ, ऑस्ट्रेलिया हैडी मनाओ लिखो, लिखो लानीना के कारण ऑस्ट्रेलिया में भयंकर वर्षा होती है, भयंकर वर्षा होती है, जैसे 2010 में ऑस्ट्रेलिया के क्वासीलैंड में, जैसे 2010 में ऑस्ट्रेलिया के क्वासीलैंड में 10,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था, ऑस्ट्रेलिया के क्वासीलैंड में, क्वासीलैंड स्थान का नाम है यहाँ, ऑस्ट्रेलिया के क्वासीलैंड में 10,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था, अब हेडिंग क्या बनेगी, लानीनो का भारत पर प्रभाव, लानीनो का भारत पर प्रभाव, लानीनो का भारत पर प्रभाव, तो भारत के लिए अच्छा लानीनो, आया हुआ लानीनो इस टाइम जा रहा है, 2010-2023 में आया समझ में, अच्छा ही तो 3 साल हो गया आए हुए सर, ठीक लानीनो तुम्हारा मेहमान है उसको भव्य स्वागत करे करो, और जब अलनीनो आ जाना ऐसे समझ में तो पत्थर मारेगा फिर मैं उसको, ठीक क्या करना, जब अलनीनो आ जाएगा तो क्या मारने पत्थर मारते हैं, भागा नहीं आता, समझ बात या सब कुछ ठीक, चुप सुन लो ध्यान लगाकर, तो अलनीनो बढ़िया लानीनो बढ़िया, दोनों ही बेकार है, मतलब तुम चाहते हो कि तुम दूसरों को नुकसान हो जाए, लानीनो में कहीं तो नुकसान होगा ही है, तो दोनों ही बेकार है, समझ बात, कितने साल की चलो एक लाइन में मुझे तुम्हारी सब कुछ बता दो, इतनी बात बताओ सर, तो ये लिख लोगे कि भारत में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, भारत में सकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा लानीनो का, अब बता क्या पड़ेगा, अगर ज़्यादा एक्टिव हो जाना लानीनो तो सामान्य से ज़्यादा दीघ एक्टिव हो जाए तो बाढ़ भी ला सकता है, जैसे तबाही नहीं ला दी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पीट दिया उसको होड़, समझ नहीं बात है, तो कुछ सकारात्मक प्रभाव, ऐसे सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा इसका, और तो लाल नीनो तो भारत का जीवी बढ़ सकता, कृषि क्षेत्र में बदलाव आ जाएगा, तो वीर निर्माण क्षेत्र भी सुधर जाएगा, फिर तो बताओ दिक्कत, अलनीनो अलानीनो समझ में आया नहीं आया, आज के बाद लानीनो अलनीनो समझ में क्वेश्चन आया लिख दोगे, रट लोगे सर, समझ में आया बात या आगे की राह दे दोगे सुनो, इकोनॉमिक्स से जोड़ के लिख दियो, आया समझ में, लानीनो आया तो ये होगा अलनीनो आया तो, अब सवाल है इन्हें रोका कैसे जा, कैसे रोका जा अलनीनो, कैसे रोका, करना क्या चाहिए, प्रभाव तो हमने पढ़ लिया, उपाय क्या है, उपाय कार्बन के उत्सर्जन कम करना होगा,
नई कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए हमें ऊर्जा के न परंपरागत स्वरूप छोड़कर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत को अपनाना होगा। और बताओ, बात वहीं पहुंच गई, ऊर्जा के क्षेत्रों में ही मैग्रोव वन लगाने होंगे, वनीकरण को बढ़ावा देना होगा, हम आदर भूमियां लगानी होंगी, हम समझ में आया बात यह। हाँ आदर भूमि में लगा दो, दिक्कत नहीं, आर्टिफिशियल तरीके बना रहे हैं। दूसरा, लोगों को सबसे बड़ी खास बात है, लोगों को जागरूक करना होगा, ठीक है, जो सबसे पहला काम है अवेयरनेस, तो सबसे पहला काम है लोगों को जागरूक ही, लोग जागरूक ही नहीं है ऐसा। मैं कल मैं लेक्चर नंबर 47 लूँगा तो अनुच्छेद 47 पढ़गा ना, तो मैं इससे नहीं तो चाटा भी मार दूंगा गाल पर, इसका जो उनसे क्लास में जो भी लेक्चर चल रहा है ना, जो बात उसके अंदर सही लिखी हुई ना वो सही बात लिखी चाहिए, समझ आई बात यार। जितने भी लेक्चर चलेगा उसका एक एक अनुच्छेद याद होना चाहिए, किसी का मैं सबसे सुनूंगा सबके मुँह से क्या बताया मैंने। जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा, इकोनॉमिक्स में कौन सा अनुच्छेद पढ़ा है, उसमें जो जो भी अनुच्छेद में लिखा हुआ सारी बात याद होनी चाहिए सबके, ठीक, और समझ में आना चाहिए इसका मतलब। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं, और आज हमने सीखा कि ला नीनो क्या था, अर्ली नीनो क्या था, और ये दोनों पूरी तरह हमें समझ में आ चुके हैं, ठीक है।